संगम नगरी प्रयागराज में आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में राजनीतिक गतिविधियों और सुरक्षा उपायों में वृद्धि देखी जा रही है। आगामी चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपने सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं। जिले के कई इलाकों में पुलिस ने अपनी तैयारियों को परखने के लिए रिहर्सल किया है। इन रिहर्सल में पुलिस न सिर्फ अपने रिस्पांस टाइम बल्कि अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ अपने तालमेल को भी परखती है। ये मॉक ड्रिल किसी भी संभावित खामियों की पहचान करने में मदद करती है और चुनावों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करती है। अपने सुरक्षा उपायों के तहत पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में पैदल मार्च भी किया। पुलिस विश्वास और सहयोग बनाने के लिए स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ रही है। इन बातचीत के माध्यम से वे लोगों को किसी भी संदिग्ध गतिविधियों या घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं जो चुनाव में बाधा डाल सकती हैं। डीसीपी दीपक भूक के निर्देशन पर यह अभियान चलाया गया, जहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस तरीके से आंसू गैस का इस्तेमाल होता है उसको भी बताया। साथ ही साथ भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए उसका भी पुलिस कर्मियों को पाठ पढ़ाया गया, ताकि किसी भी स्थिति में भीड़ से निपटने के लिए पुलिस तैयार रहे। प्रयागराज पुलिस टीम के द्वारा आज सभी क्षेत्रों में जो एंटी राइड ड्रिल है वो की जा रही है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो मार्केट एरियाज हैं, जो प्लेसेस हैं, उन पे फ्लैग मार्चेस भी किए जा रहे हैं। जो आगामी त्योहार हैं और जो लोकसभा चुनाव हैं, उनके दृष्टिगत ही ये जो एक्सरसाइज है, रिहर्सल है, ये पुलिस के द्वारा आज की जा रही है। देखिए, जो दंगा नियंत्रण स्कीम है, आज उसी की ये रिहर्सल हो रही है, और सभी थाना क्षेत्र, चौकी क्षेत्र और जो हमारे सर्कल्स हैं उन पे ये रिहर्सल की जा रही है। इसमें सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना अध्यक्ष, चौक इंचार्जेज और जो समस्त फोर्स है हमारे सिटी का, वो इसमें लगातार इसमें रिहर्सल कर रहा है।